हेलो दोस्तों, ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, वो है हमारे पास संख्या पद्धति का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, यानी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट सवाल यह दे रखा है, सेकंड सवाल दे रखा है, इससे आगे और भी सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, इसका योग किस तरीके से निकालती है। तो हमारे पास देखिए, आपको इसका सोल्यूशन करने के लिए कंपलसरी तीन फार्मूले याद करना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे फार्मूले मैंने लिखे हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है सार्वान्तर डी इक्वल टू, यानी कि सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है। यानी कि क्या करेंगे हम, यानी सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा के इसका सार्वान्तर निकालेंगे। फिर हमारे पास सेकंड जो फार्मूला आता है वो है कुल संख्या, यानी एन, एन बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में सार्वान्तर प्लस वन होता है। तो हमको एन इस फार्मूले से निकालना है। फिर आता है हमारे पास जो हमसे पूछा है उसने क्रमागत संख्या को, थर्ड फार्मूला है हमारे पास क्रमागत संख्या का योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणा एन बटा दो। तो इस फार्मूले से हमें निकालना है क्रमागत संख्या का योग। तो देखिए, हम फर्स्ट सवाल के सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो देखिए, क्या ध्यान से समझेंगे यहाँ पे हम सोल्यूशन फर्स्ट। तो देखिए, सार्वान्तर, सार्वान्तर हमको निकालना है। तो हमारे पास देखिए सेकंड पद लिखा हुआ है, सेकंड पद हमारे पास क्या है, दो है, हमने यह लिख लिया दो। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर हमारे पास फर्स्ट पद क्या है, वन है, हमने लिख लिया यहाँ पे वन इक्वल टू। तो टू में से वन घटेगा तो वन बचेगा, हमारे पास जो डी की वैल्यू निकल के आ गई वो वन आ गई सार्वान्तर हमारे पास। फिर है कुल संख्या एन निकालना है। तो देखिये, एन किस तरीके से निकालेंगे हम, यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, यानी कि अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे दे रखी है साठ। फिर माइनस का चिन्ह है। प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या है हमारे पास, वन है, हमने लिख लिया वन। फिर बटे में आ जाए, बटे में सार्वान्तर क्या हमारे पास, वन है, हमने यहाँ वन लिख लिया। ठीक है, फिर प्लस वन है, प्लस वन लिख लिया इक्वल टू। अब देखिये हमारे पास, यानी कि साठ में से एक कम हो रहा है तो हमारे पास क्या बचा, उनसठ और प्लस वन ये वाला, और नीचे का वन है उसको तो छोड़ देंगे क्योंकि वन से भाग करेंगे आएगा उतना ही। तो उनसठ और एक जुड़ जाएगा, हो गया साठ। हमारे पास एन की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास साठ निकल के आ गई। अब हमें निकालना है क्रमागत संख्या का योग। ठीक है, थर्ड फार्मूला हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रमागत संख्या का योग निकालेंगे तो इक्वल टू, ये स्टेप हम मिटा लेंगे यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है यानी अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या हमारे पास क्या है, साठ है प्लस। फिर प्रथम संख्या हमारे पास क्या है, वन है, वन लिख लिया हमने गुणा। फिर एन है, एन निकाल चुके हैं, हमारे पास क्या निकल गया है, साठ बटे में आ जाए दो है, दो से काट देंगे, दो तीन छह जीरो ऐसी लगा दिया, तीस बार में कट गया, ये जुड़ गया साठ और एक हो गया इकसठ गुणा तीस। जब 30 से 61 की गुणा करेंगे तो जीरो ऐसी लगा देंगे हम, 3 से गुणा करेंगे, 3 इक्कीस 3, 3 छह 18, यानी कि 1830 ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आएगा। फिर देखें इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे पास सेकंड सवाल दे रखा है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम। तो इसके सोल्यूशन के लिए भी हम चलते देखे, सबसे पहले हमें सार्वान्तर निकालना है। तो इसमें देखिए हमारे पास सेकंड पद है, तो सेकंड पद क्या है हमारे पास, यहाँ पे 22 है। फिर सबट्रैक्शन लगा दिया, फर्स्ट पद हमारे पास क्या है, 21 है। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास वन बचेगा। इसी तरीके से हमें कुल संख्या निकालना है, कुल संख्या यानी निकालने का फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे अंतिम संख्या लिखा हुआ है, तो अंतिम संख्या इसमें हमारे पास क्या है, 75। सब्ट्रैक्शन, प्रथम संख्या हमारे पास क्या है, 21 है, ब्रेकेट लगा दी हमने। फिर नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यानी कि सार्वान्तर, तो सार्वान्तर हम निकाल चुके हैं, वन है हमारे पास, वन लिख लिया हमने। फिर प्लस का वन ये वाला इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे 75 में से 21 कम हो रहा, तो कम करेंगे तो 5 में से 1 कम हुआ, 4 बचा हमारे पास। फिर यहाँ पे हमारे पास 7 में से 2 कम हुआ, 5 बचा, नीचे का 1 है वो छोड़ देंगे, प्लस 1 क्योंकि 1 से इसको भाग करेंगे तो 54 ही आएगा, इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आया, 55। यानी कि एन की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो 55 निकल के आई है। फिर क्रमागत संख्या का योग निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या हमारे पास क्या है, 75 प्लस प्रथम संख्या हमारे पास है 21, ब्रेकेट वन मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास एन है। ठीक है, तो एन हम निकाल चुके हैं, एन हमारे पास ये आया है, यानी कि 55 अपॉन 2 इक्वल टू।
अब देखिये ये हमारे पास जुड़ रहा है तो पांच और ये छह हो गया, फिर सात दो नौ हो गया, गुणा पचपन, फिर बटे में आ जाए दो, दो से इसे काट देंगे, दो चौक आठ, एक बचा यहाँ सोलह होगा, दो अट्ठे सोलह, यानी अड़तालीस बार में ये कट गया इसको। अब देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे तो अड़तालीस और पचपन की गुणा होगी, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम, देखिए अड़तालीस और पचपन की गुणा करेंगे तो पांच अट्ठे चालीस, हाथ लगा चार, पांच चौक बीस और चार चौबीस, फिर करेंगे तो उतना ही आएगा जीरो फोर टू, जीरो फिर फोर फिर सिक्स फिर टू, यानी कि हमारे पास आ गया 2640। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है, बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड से मैंने समझाया। अगर मेरा मेथड समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।